हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास का जो है यह पुनराज को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसका वेरिएशन पढ़े थे, वह भी इम्पोर्टेंट था। आज ये पुनराज लॉ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यह है क्या ध्यान रखने का, यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का निकालने का एक मेथड है। इसी मेथड का नाम क्या है, कुलरास लॉ, यानी कहते हैं कुलरास नाम है कि कुलरास एक नियम निकाला जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है। इस प्रकार से पहले हम लिख दे रहे का हम बना रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना दे रहे हैं। स्टेट कैन एक्सप्लेन कुलरास, ऐसे कुलरास लिखा जाता है, कुलरास पढ़ते हैं, कुलरास लॉ, एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। कुलरास का नियम क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है, पहले यहां लिखेंगे यह कुलरास लॉ और लॉरास। एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम पिछले जो है क्लास में बताया थे कि अगर इन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए किसी सॉल्यूशन का, उस समय जो उसकी कंडक्टिविटी होती है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसी को निकालने का एक मेथड है, यह लिखते हैं कुलरास डिराइव मैंने निकाला डिराइव ए मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कुलरास लॉ, कुलरास लिखा जाता है, लॉ। इट मे स्टेटेड एज फॉलोज, किताब में दो दो तरह से दिया होगा, आपको भारी लगने लगेगा। वह क्या है किताब में है कि मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वहां पर दिया, और उसी चीज को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह देते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट में इसको बनाएंगे इसे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, जो के मतलब बराबर होता है, यही जो है कुलरास का लॉ है। अब कैसे हम लोग लिखेंगे, हाउ टू राइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस।
ऐसे लिख रहे हैं यह कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में अगर रखेंगे स्ट्रॉन्ग तो और अच्छा रहेगा, लिको का हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस, उनके आयनों के आयंस मतलब यहां केटायन हो जाएगा, केटायन्स एंड एनायन्स। जैसे एग्जाम्पल में लेके देखेंगे, एग्जाम्पल यह ऐसे लिखे है लेमडा एन जीरो मतलब जो होता है, क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को कुछ लोग लेमडा एन यह है इन्फिनिटी भी ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बना देंगे इन्फिनिटी, कुछ लोग ऐसे ही बना देते हैं लेमडा, तो जो आपको अच्छा लगे वही बनाएंगे। हम यही लिखते हैं लेमडा एन जीरो इक्वल टू, नियम बोले हैं कि किसी आयनिक माने कंपाउंड हो इलेक्ट्रोलाइट हो तो इसके आयनों के बराबर होता है इसका लिमिटिंग कंडक्टिविटी, यानी ऐसे लिख देंगे कि लेमडा एन जीरो एन ए प्लस प्लस लेमडा एन जीरो सी एन माइनस। इसी तरह से एक दूसरा ले ले रहा है लेमडा एन जीरो बी एस सी एन टू ले ले बेरियम क्लोराइड, तो यह हो जाएगा लेमडा एन जीरो BA2 प्लस प्लस 2CL लेमडा एन जीरो टू मान यह CL दो आइंस मिलेंगे इसलिए यहां दो कर दिए, और भी इसको ऐसे बना सकते हैं लेमडा एन जीरो Al2SO4 हमें से ले लिया अल्यूमिनियम को संकेत है थ्री इसकी वैलेंस है ऐसे लिख के, तो यह लिख देंगे इसे लेमडा एन यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम है, तो यहाँ लिख देंगे लेमडा एन जीरो एल पर वैलेंसी तीन है ऐसे लिख देंगे, इसकी संख्या दो हो जाएगी यहाँ पर प्लस यहाँ एसओ टू की संख्या तीन है थ्री लिख दिए लेमडा एन जीरो या एसओ फोर की टू माइनस इस इजी से, यह सब हम लोग एक नाम को दे दिया। और इसका हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन हम बता रहे हैं जिसको मिटा देते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अभी कहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्ट नहीं निकलता है लेकिन इसके सहयोग से निकालने का कैसे ध्यान नहीं है, इसका तीन उपयोग है, ये एप्लीकेशन है। पहला जो है लिख देते हैं इसके बाद समझा देते हैं, एक में यह इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट फिर ध्यान सुनेंगे, इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने में क्लोरास लॉ का यूज होता है। कैसे यूज होता है, किताब वाला का तीन चार इक्वेशन करके बनाया, लगता है कि बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बनाया है, कुछ नहीं। मान लो कि दो
स्टूडेंट है, दोनों मित्र है, यहाँ हमारे यहाँ पढ़ने आया, कोचिंग में पढ़ लिया या स्कूल में पढ़ने गया, खूब दोस्ती है, 100 रुपया दिया यहाँ पर और फिर झगड़ा हुआ दूसरे मोड़ पर वापस ले लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ देंगे, फिर उसको घटा देंगे तो जोड़ेंगे क्या, दिमाग पर रखेंगे NaCl या KCl, उसमें भी मैक्सिमम सवाल तुम्हारे बुक में जो अभी तक से बेसिक में आया है केवल NaCl जोड़ते हैं, उतना ही घटा देते हैं। यह क्या हम बोले हैं ध्यान से देखेंगे, यह अभी बोले हैं कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्ट लिंकिंग मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ कोहर लराउस लराउस लॉ, इसकी सहायता से एज फॉलोज एक एग्जाम्पल लेकर देखा जा भी पहल है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल्टा एसी CH3CO है, इथेनोइक एसिड है, इसका निकालने के लिए पहले जो नियम है हमने लिखा लेमडा CH3COO यहाँ माइनस प्लस लेमडा H+ इतना लिख दिए, क्योंकि इसका नहीं निकल पाता है डायरेक्ट, इसलिए इसका नहीं निकलता है तो इसमें करते क्या, अभी क्या हमने बताया खूब ध्यान से सुनना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ो और उसे घटा दो, उसमें भी तुम्हारे ग्रुप में अभी तक सीबीएसई में क्या है दिमाग पर रखना है NaCl को जोड़ना है उसी को घटाना है, सीबीएसई वाला तो बन जाएगा ऐसे देखेंगे क्या, इतना बराबर लिख दिए लेमडा M0 CH3COO- प्लस लेमडा M0 H+। अभी हमने बोला यहाँ पर कहा कि इसमें जोड़ेंगे क्या चीज लेमडा M0 Na+ लेमडा M0 Cl-, मैंने वो 200 रुपया दिया, फिर मान लिया जाकर दूसरे मोड़ पर माइनस इसी को घटा रहे हैं लेमडा M0 Na+ लेमडा M0 Cl- इतना घटा नहीं लिया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे लेमडा M0 CH3COO- इसमें का यहां पर लगेगा लेमडा M0 Na+। अब मन में प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए कि यह मिलाएंगे तो CH3COO सोडियम एसिटेट बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, साल्ट जो है सब साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का हम लोग अभी भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे यहाँ का यह चीज और यह चीज निकाल जोड़ दिए लेमडा M0 H+ लेमडा M0 Cl-, और फिर यह जोड़ करेंगे लिख देंगे जो यहाँ लिखा है लेमडा M0 यहाँ ब्राइटिंग ब्राइटर लिख दिए NaCl लिख दिए, जिसको जोड़ेंगे लेमडा M0 CH3COO Na+ लेमडा M0 Na+ माइनस लेमडा लेमडा तो दू बता यह हो गया HCl हो गया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग का आसानी से निकाल लेते हैं माइनस लेमडा M0 NaCl। अब इनका तीनों का वैल्यू स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, दिया रहता है
में निकल जाएगा, यानी कुकिंग का वैल्यू जो इतना लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ CH3COHCl इतना इस दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड जीरो इतना का भी कैलकुलेटाइज से देंगे। स्कूल में जब न्यूमेरिकल आएगा वो मैं बना देंगे, यहाँ पे इतना ही लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम जीरो और चलिए CH3COOH HCl एंड फ्रॉम NaCl दी वैल्यू ऑफ यहां पर दिस थिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा एम जीरो CH3COOH मतलब जो हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हो गया कैन बी कैलकुलेटेड इस तरह से निकाला जा सकता है इसका। तो पहला एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग तो राश लॉ के एप्लीकेशन मान सहयोग ले एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी लिमिट में कमजोर एसिड का निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको H2O दे दिए, H2O का निकालना है तो क्या कर लेंगे, H2O का आपको एग्जांपल दे दिया यार यहीं पर एक और एग्जांपल दे रहा है और भी एग्जांपल लेकर समझ सकते। मान लेते हैं किसी ने आपसे पा दिया वाटर का निकालिए वीक स्ट्रोमेटिक मान सकते हैं H2O, तो आपने ऐसे लिखा लैम्डा एम जीरो प्लस लैम्डा एम जीरो OH माइनस आपने लिख लिया। आपको क्या था? क्या फायदा बताया कि NaCl जोड़ेंगे उतना ही हटा देंगे इसमें जोड़ेंगे लैम्डा एम जीरो H प्लस लैम्डा एम जीरो OH माइनस हो गया। इसमें आप जोड़ना क्या बोले थे लैम्डा एम जीरो Na प्लस लैम्डा एम जीरो Cl माइनस अब इसी चीज को लैम्डा एम जीरो Na प्लस लैम्डा एम जीरो Cl माइनस हो गया। इस तरह से बनाते हैं अब जाएंगे इसको और इसको एक साथ रख दे तो यह हो जाएगा HCl स्ट्रॉन्ग में बदल जाएगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिए लैम्डा जब काबिल हो जाइए तो लैम्डा एम जीरो HCl हो गया कि इसको और इसको एक साथ लिख दिए तो क्या बन जाएगा NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग जो है बेस है लैम्डा एम जीरो NaOH यह हो गया प्लस यह हो गया माइनस लैम्डा एम जीरो NaCl इसका वैल्यू रखा जाए तो इसका निकल जाएगा HWSCl छोड़ देते हैं। आप बनाकर हमको दिखाएंगे कभी NH4 बनाएंगे हो गया यह अब यह हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलोरास लॉ यह इसका दूसरा एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एलेवन में पढ़ाए थे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जितना अंश उसका जितना मान उसके मॉलिक्यूल टूट जाता है उसकी संख्या और पहले वाले की संख्या के रेशियो का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। छोड़ो उसी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते थे यानी हम लोग इसे कहते हैं दूसरा है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
हम जो एसिड बेस कोई हो तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा निकाला जा सकता है, यानी कि थोड़ा सा एक लाइन एक लाइन से थोड़ा करते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूरत है कि इसका उपयोग जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा निकालने में होता है। एग्जाम्पल फॉर दिस लेट अस कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट हम एच के लिए या वीक एसिड हम ले रहे हैं ऐसे A+AQ+A-AQ याद होगा 11 में से बताए थे टाइम जीरो हो कुछ भी नहीं बीता हो पी बराबर जीरो टाइम पर या जीरो बना रहता है जीरो इसका कंसेंसस हम सी मान लिए थे तो इसे आ गया। अगर कोई टाइम बीते एक मिनट दो मिनट हो जाए पी बराबर पी मिल जाए तो इसमें से कितना खर्चा होता है सी इंटू अल्फा 11 में कायदा बताए थे सी अल्फा यहाँ भी हो गया सी अल्फा तो इसी में से ही खर्चा होगा इसलिए यहाँ बचा कितना सी माइनस सी अल्फा। और यह जब हो गया तो हम लोग लिख देंगे इसी चीज को हम लोग यहाँ पर निकालना है हम लोग अल्फा तो यह दिस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू यह लेमडा एम सी का रेशियो होता है और लेमडा एम जीरो का रेशियो होता है इसी को निकालना था हमको तो निकलता है कैसे अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यानी इस तरह से जो अल्फा समझाए थे या याद दिलाए इस तरह से लिखेंगे अल्फा बराबर लेमडा एम सी बाई लेमडा एम जीरो लेमडा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी और लेमडा एम जीरो क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसी को आप चाहे तो कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन कुछ लोग जो है इसको इनफाइनाइट लिखते हैं या ऐसे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अभी आपने देखा था लेमडा एम सी इसका वैल्यू आपने क्लोरास लॉ में देखा था कितना हो जाता है इसका हो जाता है लेमडा एम जीरो सी के टाइम प्लस लेमडा एम जीरो ए नाइन यह हम लोग देखे थे अभी क्लोरास के लॉ तो यह लेमडा एम जीरो निकल जाएगा लेमडा एम सी मालूम रहेगा इसका रेशियो निकालने में हमको यह अल्फा का मान निकल गया यह हम लोग का दूसरा एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे यह अब तीसरा इसका एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल चुके हैं तो तीसरा उसमें है कि उसकी सहायता से हम लोग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड हो सकता है चाहे वीक बेस हो सकता है जैसे अभी जो पहले समझा रहे थे वही देख लेंगे
let us consider the dissociation of a weak acid, ले लीजिए weak acid या भी एक weak electrolyte है, weak electrolyte ऐसे हम देखिए HA जो है एक वो इसको पानी में डालते हैं तो इस तरह छोटा H प्लस AQ प्लस A माइनस AQ टाइम जीरो हो मतलब शून्य टाइम हो तो यह मैंने कुछ भी नहीं बना रहा, एक आध मिनट बढ़ेगा तब नहीं टूटेगा, इसमें सब कुछ खर्चा हो गया, 5 किलो ले गए गेहूं पिसवाने का, एक दो मिनट होगा तो 5 किलो में से 2 किलो आटा बन जाएगा, 2 किलो आटा इस गेहूं में से बना था, गेहूं में से 2 किलो घटा दे कितना ऊपर बचा हुआ निकल जाएगा, पहले यहां वाला कैसे निकालते हैं, अगर इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन सी माने होते तो यह सी अल्फा हो जाता है, यह सी अल्फा हो जाता है, ये लेवल पे चीज बताया है, यहां नहीं हो या तो मान लीजिए तो यहां पर यह सी था तो यहां बच गया सी माइनस सी अल्फा, दिया तो वहां पर सीधे लिखे थे ka बराबर इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां हो गया h प्लस aq इनटू a माइनस aq बाय यहां पर ha ऐसे एक अब इसका वैल्यू लीजिए सी अल्फा या सी माइनस सी अल्फा, ऐसे हो सकता है यहां लिखिए सी अल्फा बाय सी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कितना हो गया अल्फा हो गया, तो सी से सी कट गया सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा हो गया हम लोग का, यह सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा इफ अल्फा इक्वल टू, अभी थोड़े देर पहले पढ़े थे दूसरा एप्लीकेशन में इतना होता है लेमडा एम सी बाई लेमडा एम जीरो, इसका अल्फा का वैल्यू जहां रखा है ये का मान निकल गया, एग्जामिनेशन में बैठे हो समय कम हो बिल्कुल लैक ऑफ टाइम तो लिख रहे हैं कि अल्फा वेरी वेरी स्मॉल अगर मन होता है इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और वो आसान करना हो सवाल के लिए अभी इतना ही छोड़ देंगे, यह अल्फा छोटा तो यह छोड़ दिए तो इतना वन हो गया बटा में, यानी सी अल्फा स्क्वायर रख देंगे उतना ही सी का वैल्यू रख देंगे अल्फा का मान रख देंगे, एग्जामिनेशन में निकल गया। क्लोराज का लॉ समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोसन।